हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ट्रेडर सिमुलेटर 2। तो यार जस्ट अभी हम लोग सो के उठे हैं और काफी दिन हो गए यार दुकान गए नहीं हम लोग। तो आज लाइक अपने को चल लेना चाहिए दुकान। और जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि अपनी दुकान अब होने वाली है मॉल, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे यार मॉल में। और कुछ कुछ डेकोरेशन वगैरह करनी है तो वो भी कर लेंगे। और मैं ज़्यादा तेज़ चला रहा हूँ गाड़ी, थोड़ा स्लो कर लेता हूँ, अदरवाइज ना किसी से टुक टुक आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। और ओहो, थोड़ा सा प्लांट वगैरह वर्कर को मैंने बोल रखा था गाइस कि कुछ प्लांट वगैरह लगा देना, लेकिन पूरी बात सुनता नहीं है ये। मैंने उसको बोला था कि चारों तरफ पेड़ पौधे लगा देना, लेकिन उसने लगाए नहीं गाइस। ये देखो सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 गमले दिख रहे हैं मुझे। क्या मजाक चल रहा है, ये 6 नहीं कितने, 1, 2, 3, 4, 5 गमले दिख रहे हैं। और बाकी मैंने बोला था पूरी वॉल को कवर कर देना, उसने किए नहीं। तो आई थिंक सो अपने को करना पड़ेगा गाइस ये वो नहीं करने वाला, कोई बात नहीं। लेकिन उससे पहले मैंने जैसा कि बोला था कि जो जो इस मॉल का नाम सजेस्ट करेगा उसको मिलेगा बड़ा वाला शाउट आउट। तो 4-5 लोगों ने नाम सजेस्ट किए हैं, तो सबसे पहले मैं उन लोगों के नाम ले लेता हूँ। सबसे पहले शाउट आउट जाता है जानवी और आशु को, जिन्होंने बोला था कि आप रख सकते हैं SPG मॉल करके नाम। और दूसरा शाउट आउट जाता है सीमा गुप्ता को, और तीसरा शाउट आउट जाता है अभिषेक कुमार मीना को, और चौथा शाउट आउट जाता है सतीश कुमार को। तो यार अभिषेक यार ने तो बोला था कि हम लोग उसका टाउन का भी नाम रख सकते हैं, बट मैं एक बार पहले चेक कर रहा हूँ। सीरियसली मेरे को टाउन का नाम पता नहीं है। मैं सालों से यहाँ रह रहा हूँ लेकिन मुझे टाउन का नाम पता नहीं है। तो ये देखो भाई, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट, ओके वेस्ट यॉर्क लिखा है, रेडास इन, पता नहीं जो भी है पढ़ लेना अपने हिसाब से, मेरे को उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा। सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट यॉर्क लिखा है, हो सकता है इस टाउन का नाम वेस्ट यॉर्क हो। तो नाम चेंज कर लिया जाए क्या गाइस सबसे पहले, उसके बाद डेकोरेशन की जाए, क्या बोलते हो? या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना हम लोग गमले वमले पहले लेके आ जाते हैं, उसके बाद फिर सेट करते हैं नाम वगैरह, है ना। कहाँ गए अपनी इक्विपमेंट शॉप? यार मैंने सीरियसली उसको बंदे को बोल रखा था कि तुम चारों तरफ पेड़ पौधे लगा देना, क्योंकि अगले एपिसोड में मुझे ना चेंज करना है नाम, और उसको मॉल उसका नाम चेंज करके मॉल रखना है। लेकिन यार उसने सुनी नहीं यार, वो हो सकता है बिजी वगैरह हो, उसके घर में कुछ काम आ गया हो। कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे यार, इट्स ओके। वैसे भी वो अपने दुकान चलाने के पैसे लेता है, वो ये सब काम के पैसे नहीं लेता, तो उसको यार ब्लेम नहीं कर सकते हम लोग, इट्स ओके, हम लोग खुद लेके जाएंगे। वैसे भी हम लोग काफ़ी दिन से कुछ काम धंधा किया नहीं है, और काफ़ी छुट्टी मार ली हम लोगों ने दुकान से, तो अभी आ गए हम लोग बैक टू बिजनेस। और मैं ज़रा फटाफट लगा देता हूँ यार गमले एक बार, बस थोड़े थोड़े सेट कर ले, इसके बाद एक बार सेट कर लेता हूँ ना सारे, फिर इसके बाद अपन नाम चेंज करेंगे, ठीक है। कुछ मिला जुला के नाम रखेंगे सभी लोग का, SPG मॉल तो चलो रखेंगे, कन्फर्म हो गया वो। बाकी उस टाउन का नाम भी हम लोग रख सकते हैं, टाउन का नाम भी दे सकते हैं साथ में। चलो भाई अब चेंज कर लेते हैं हम लोग फटाफट अपने इसका नेम, और कहाँ से होता है नेम, अच्छा सॉप शाइन कस्टमाइजेबल, ठीक है। तो SPG मॉल वेस्ट यॉर्क है ना, क्या बोलते हो? मॉल भी पूरा कैपिटल में कर देता है, MALL SPG मॉल वेस्ट यॉर्क, कैसा लग रहा है गाइस बताओ यार फटाफट कमेंट करके यार मुझे। और आई थिंक हो गया अपना नाम चेंज, ओहो हो 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 हो, ये देखो लग रहा है ना एकदम गजब। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि बीच में भी हम लोग अब प्रॉपर एक लेयर बनाते हैं प्लांट्स की और डेकोरेशन की, और कुछ लाइटिंग्स वगैरह भी करेंगे पूरे बाउंड्री के चारों तरफ। तो फटाफट और फिर से चल लेते हैं हम लोग उसके फर्नीचर शॉप पे, और पहले सबसे पहले प्लांट्स लगाते हैं। सबसे पहला काम प्लांट्स लगाना, प्लांट्स होने चाहिए यार,
ग्रीनरी लगनी चाहिए अपने दुकान के बाहर, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उजड़ा चमन टाइप नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए और सुंदर दिखनी चाहिए मॉल, अदरवाइज ना वो मजा नहीं आता फिर। चलो 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 जल्दी चलो, अपने पास ज्यादा टाइम है नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कस्टमर की भरमार पड़ रखी है और उसके बाद अपने को कस्टमर्स के ऑर्डर भी पूरे करने हैं। तो फटाफट ना हम लोग कलेक्ट करते हैं और प्लांट लगाते हैं एक बार, पूरा फटाफट डेकोरेशन करते हैं इसको खत्म। तो गाइस 1.5 घंटे की गधा मजदूरी करने के बाद कुछ कुछ ऐसा लुक आ रहा है अपने मॉल का। और मैंने सेंटर में भी एक लाइन, मतलब सेंटर तो नहीं है एकदम, बट मैंने एक लाइक लाइन में मैंने फॉर्म कर रखी है ताकि थोड़ा सा ना वो वाइब आए, वो प्रीमियम वाली वाइब आए कि हाँ कुछ प्रीमियम जगह में जा रहे हैं लोग शॉपिंग वगैरह करने। और मैं इसको एक और मैं लगा देता हूँ, वैसे तो अपने पास 2 और पड़े हुए हैं अभी, एक और पड़ा हुआ है, 2 नहीं है। और एक हम लोग यहाँ लगा सकते हैं क्या, और खींच के ला सकते हैं यहाँ तक? हाँ ठीक लग रहा है, बट इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाओ ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ मान लो कि कस्टमर गाड़ी वगैरह लेके आता तो उसको उतना टर्न होने के लिए उतना एरिया मिलना चाहिए। ये मैंने इसलिए बनाया गाइस, आप देखो जो भी पार्किंग होगी वो अपनी इस साइड होगी और जो भी पैदल लोग आएंगे तो इधर, तो थोड़ा सा ना वो एक्सीडेंट वाला कम रहेगा, इसलिए मैंने ये जानबूझ के किया गाइस। और एक चीज़ और मुझे अभी लग रही है कि कमी है, ज़रा आप भी कमेंट्स में कंफर्म करो वो चीज़, क्या अपने को ये वाले पेड़ यहाँ लगाने चाहिए? या फिर गमले वाले पेड़ लगाने चाहिए? एक बार मुझे कमेंट्स करो यार इस चीज़ के बारे में। लाइक मैं सोच रहा हूँ बाहर भी पूरा का पूरा ऐसा ही पेड़ों का फॉर्मेशन करूँ मैं। और अभी हम लोग और क्या कर सकते हैं, एक बार एक सेकंड, ये देखो पेड़ वेड़ देख रहे हैं लोग अभी क्योंकि काफ़ी सही लग रहा है। और मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ गाइस, इसको भी आप लोग कन्फर्म करना ज़रा बताना। पहले मैं तो एक सेकंड रुको, मैं हंग्री हूँ, मैं पहले खाना खा लेता हूँ अदरवाइज ना बीमार पड़ जाएगा अपना आदमी। एक सेकंड, ब्रेड कहाँ है? ब्रेड खा ले भाई तू, पानी वानी तो नहीं पीना? ठीक है हाँ, तो मैं एक सेकंड मैं फ्रेश भी हो लेता हूँ, अदरवाइज थोड़ी देर में ब्लैडर ब्लैडर फुल हो जाएगा, फिर बोलेगा कि दिन भर मेरे से काम करवाते रहते हो और हेल्थ का ख्याल नहीं है। ठीक है अभी एकदम परफेक्ट है। अब बोलो इसमें एक चीज़ और कन्फर्म करो, मैं सोच रहा हूँ कुछ कुर्सियाँ वगैरह डाल दूँ यार, ताकि ना कोई भी कस्टमर आए यार उसको बैठना हो, देखो जो छाया वगैरह हो रही है, मान लो कोई थक जाए या कुछ हो तो उसको बैठने के लिए भी जगह होनी चाहिए। अब बस मुझे एक चीज़ आप लोग कन्फर्म करो, सबसे पहले मैंने इसको सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है, अभी इसको चेंज करेंगे हम कि ये वाले प्लांट्स हम लोग पूरा फॉर्मेशन करें या फिर जो हम लोगों ने अंदर लगाए वो वाले करें। और हम लोग लाइटनिंग भी करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये, क्या था भाई पेड़ खराब नहीं करना मेरे, समझे? बहुत पैसा लगा है उसमें, अभी अगली बार दिखा ना भाई तुम ऐसे करते हो, जंप लगाते हो, हाई जंप या लॉन्ग जंप करते हो, यहाँ पे टांगे तोड़ दी जाएंगी तुम्हारी, बता रहा हूँ मैं। हाँ तो मैं ये तो अभी चलते फर्नीचर शॉप। और मैं एक चीज़ और पूछना है लाइक मेरे को कि हाँ कि वो अपना जो प्लांट का फॉर्मेशन है तो हम लोग कौन से वाले प्लांट्स करें, छोटे वाले रखें या फिर जो हम लोगों ने अंदर साइड रखे वो वाले रखें या फिर जो मैंने टेम्प्ररी वहाँ पे रखा हुआ है बड़ा वाला वो वाला रखें। और कुर्सी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग ज़रा सजेस्ट करो यार कमेंट्स में कि इसमें से कौन सी वाली चेयर अपने को कस्टमर्स के लिए रखनी चाहिए। वैसे तो मेरे को ये वाली ज़्यादा बेटर लग रही है क्योंकि इसमें अच्छा खासा स्पेस और साइज भी है। बाकी बोलो तो यार हम लोग सोफ़ा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि यार सोफ़ा अंदर के लिए ठीक होता है, बाकी ये वाली भी डलवा सकते हैं यार, ये वाली भी बढ़िया लग रही बेंच, आई थिंक सो इससे बढ़िया बेंच ज़्यादा बेटर रहेगी, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, क्या बोलते हो? ज़रा कमेंट करके बताओ, ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, अभी नहीं करते हैं अदरवाइज फिर पता नहीं चलेगा, आप लोगों की भी सहमति होनी चाहिए। तो अभी हम लोग चलो चलते हैं फटाफट, कहाँ पे जाना था अपने को, सब्जियाँ ख़त्म हो रही हैं, जी हाँ अपनी हो रही हैं सब्जियाँ ख़त्म। सबसे पहले हम लोग घर चलते हैं, घर नहीं शॉप जाना था यार। ठीक है अभी यहाँ आ गए तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज़रा गाड़ी टू करा लेता हूँ, चाहे रहने देते हैं उधर गाड़ी,
मैं यार फटाफट गाड़ी लेके चलता हूँ सब्जी वाले के पास, और सब्जियां नहीं यार उसका स्टॉक रीस्टॉक कर रहा है सब्जी और फलों का। आराम से, काफी गंदा वाला टराइन है यार ये, ठुक जाएगी। यहां से लुढ़के ना अगर हम लोग तो पता नहीं कितने फुट नीचे खाई में जाएंगे। आराम से मोड़, आराम से मोड़। बहुत ही खतरनाक टराइन है गाइस, बहुत ही खतरनाक। चलो गाड़ी धड़क तो नहीं रही ना अपनी, बस बस परफेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक चीज का सबका स्टॉक ले लेता हूँ। एक टमाटर भी जरूरी है, कैबेज की भी डिमांड है, पोटैटो की भी डिमांड है, पेपर भी चाहिए। चलो भाई इसको गाड़ी में लोड करते फटाफट लोडर के अंदर। एक सेकंड, यहाँ से करना पड़ेगा अपने को। ये क्या शिमला मिर्च लग रही है मेरे, है ना? हाँ शिमला मिर्च है ये। ये हो गए अपने आलू। काउंट रखना गाइस सब चीज़ ले रहे हैं हम लोग कि नहीं ले रहे। ये हो गए अपने कैबेज, ये टोमेटो, और ये हो गए अनियन। आ जाएंगे अनियन, आ गए। चलो अनियन तक हो गया था, ठीक है। अरे यार मैं फिर कंफ्यूज हो गया, क्या हुआ था अपना, कैबेज हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ। ओके यहाँ तक हो गया था। ये क्या है, कैरेट, गाजर चाहिए, ये है कॉलीफ्लावर, और ये मिर्च, चिली, लीक, पता नहीं क्या है, मेरे को अभी तक आइडिया नहीं है। ज़रा कमेंट्स करके बताओ यार, आप लोगों को पता है लीक यार होता क्या है, ये मेरे को कोई आइडिया नहीं। और इसको ना कोकम्बर वाले को यार ज़रा रखते, क्योंकि भाई गर्मियाँ लाइक पता नहीं यार सर्दियाँ चालू हो गई हैं यार, तो मुझे नहीं लगता कि कोकम्बर्स उतना लोग खरीदेंगे। बट यार ऐसा नहीं है कि खाने वाले खाते हैं यार कोकम्बर सर्दियों में भी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोकम्बर सिर्फ गर्मियों की वेजिटेबल है यार, उसको सैलड वगैरह में लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली सर्दियों में भी। ल्यूटाइस ले लेते हैं, डाइट वगैरह करते हैं जो लोग उनके लिए। वाटरमेलन बहुत ज़रूरी, ड्राई फ्रूट्स तो बिल्कुल ज़रूरी, फाइबर्स इनमें भर भर के होता है तो काफ़ी सही बिकेंगे यार, क्योंकि बच्चे से लेके बूढ़े तक फ्रूट्स तो सब खाएंगे यार, फ्रूट्स तो कौन ही मना करेगा खाने के लिए। ये हो गए अपने ऑरेंजेस, ये हो गए अपने वाटरमेलन, और क्या चीज़ अनलोड नहीं किया अभी हम लोग ने, हाँ लिटाइस, ओके। ये कुछ पत्ते रह गए थे, सेव लेना है, जी हाँ। नहीं सेब ले चुके थे यार हम लोग, दोबारा ले लिया क्या? चलो ट्रॉपिकल मेलन ये भी ले लेते हैं, मेलन भी ले लेते हैं, और पीच, ये भी सेब ही है, कोई वैरायटी है सेब की। और ये हो गए पियर्स, अब लास्ट अपना रह गया है पियर्स, अमरूद भी हो गए, अमरूद होता है पियर्स, नहीं नहीं गुआवा होता है अमरूद, पियर्स आई थिंक नाशपाती होता है हिंदी में, उसको नाशपाती बोलते हैं। और ये हो गया अपने बनाना, चलो सारा स्टॉक हो गया गाइस पूरा, और फटाफट चल के ना हम लोग दुकान में भर देते यार इसको, अदरवाइज ना कल कंप्लेन आने लगेंगी सब्जियों की। अभी वैसे भी रात का समय हो रहा है तो दुकान तो वैसे बंद हो गई होगी, मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ यार, ये फॉरेस्ट में ना कुछ समझ नहीं आता इसका। एक तो फार्म जो है ना इसका, इस बंदे का, पूरे के पूरे फॉरेस्ट में है तो काफ़ी डरावना वाला माहौल हो जाता है। और थोड़ा सा ना ये एरिया सेफ भी नहीं है, कोई भी चोर या डाकू वगैरह हो सकते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा अपने को। ये तो अपना घर है, अपने घर में क्यों ठोक रहे हम लोग गाड़ी। ये देखो तो रात हो गई है गाइस और दुकान ऑलमोस्ट बंद होने वाली है, ये आराम से आराम से। अभी ज़रा हम लोग देखते हैं गाड़ी इसमें से कितने में से मूव हो सकती है कि नहीं। हाँ परफेक्टली हो रही है, तो एकदम सही बनाया हम लोगों ने, डिवाइड जो किया है ना एरिया एकदम सही किया है। चलो अब हम लोग जल्दी फटाफट सामान अनलोड कर लेते हैं, और क्योंकि अभी कस्टमर्स है नहीं, और देख रहे हो क्या हालत हो रखी है वेजिटेबल स्टॉक की, भाई है ही नहीं सामान। मैं सारा का सारा पहले अंदर ले आता हूँ सामान, हाँ एक एक करके उठा ले भाई। नहीं ये नहीं करना था, इसको ईट कर लो आराम से, पूरा का पूरा बॉक्स उठाना भाई, एक एक चीज नहीं ले जानी है, ऐसे तो पूरी जिंदगी लग जाएगी तब भी हम अनलोड नहीं कर पाएंगे सामान को। चलो आ गया, अभी इसको एक एक करके अनलोड भी करना चालू कर देता, अदरवाइज ना मैस अप हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान है और थोड़ा सा ये ना अब ऑर्गेनिक हम लोग लेके आए हैं और खुले में सब सामान लेके आए हैं तो थोड़ा धूल वगैरह हो जाती है,
तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सामान पे धूल नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा सामान एक बार में नहीं रखता हूँ। जहाँ पहले पहले थोड़ा थोड़ा अनलोड भी करता जाता हूँ साथ में, तो बेटर रहेगा, है ना। नहीं यार, ये गलत, ये गड़बड़ हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, फ्रूट्स मैं यहाँ यहाँ लगाता हूँ, ये दो वाले उसमें, और लास्ट वो पीछे दो वाले में वेजिटेबल्स लगाएंगे, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि कस्टमर आते हैं ना, तो फिर वो समझ नहीं पाते लाइक कहाँ फ्रूट्स हैं, कहाँ पे अपना वो है, क्या बोलते, वेजिटेबल्स। तो उनको यार कंफ्यूजन से बचाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, और कुछ नहीं। मेलन्स तो खैर फ्रूट में ही आता है। और यार कमेंट्स करना अगर मैंने किसी वेजिटेबल को फ्रूट के सेक्शन में लगा दिया अगर गलती से। तो आप लोग ध्यान दो इस चीज़ पे, मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं फटाफट अनलोड कर रहा हूँ सामान, क्योंकि कस्टमर्स की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत टाइम लगेगा अभी अपने को अनलोड करने में एक एक सामान को। और एक सिस्टम लाइक अगर उसमें होता ना कि एक बार में अगर मैं पूरी बास्केट रखते हैं और ऑटोमेटिकली अनलोड हो जाए सामान, काफी बेटर हो जाता है यार गाइस, थोड़ा सा इजी हो जाता। बट ठीक है, ये भी कोई बुरा नहीं है। एक एक करके लगाओ सामान अपने हिसाब से, जैसे कि आपको, जैसी आपकी मर्जी हो उस हिसाब से लगा लो। एक चीज रुक जाओ, एक चीज करते हैं, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही गाइस। देखो मैं अभी बताता हूँ आपको, छोटे छोटे कुछ होंगे तो कुछ लिखेंगे हम लोग फ्रूट से, मतलब फॉर्मेशन कुछ कुछ बढ़िया तो फॉर्म करेंगे। यहाँ पे लगा दो यार, ये लगाने बड़ी दिक्कत आती है, पूरे बहुत ज्यादा जगह घेरता है यार ये। ये है मेलन्स, इससे ना हो पाएगा। हो तो रहा है यार, ये कुछ कुछ एस बना है आप समझ जाना, उतना परफेक्टली नहीं बनाया बट एस बना है ये। और देखो मैं और क्या क्या बनाता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ मैं। बाकी यार हंसने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं हंसेगा। ओके यार, ये तरबूज रखना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा लुक खराब होगा लेकिन ठीक है। ये हो गया पी। अब जी बनाने के लिए जगह नहीं है अपने पास, एसपी से ही काम चलाओ। बाकी जब खाली होगा तब देखेंगे। वेजिटेबल अपनों ने यहाँ रख दी, देखो गलत रख दी, आप लोगों ने याद नहीं दिलाया, मैं उठा लेता हूँ यार। चलो ठीक है, अब रख दी तो रख दी, कोई बात नहीं, उसको लगाने में भी बड़ा टाइम लगता है यार। आ गए आ गए, चलो पीछे से आ गए अपने, मैं यहाँ फटाफट लगा देता हूँ पीछे से। और कोई बात नहीं यार, लग गई वेजिटेबल, हम उसको वेजिटेबल की जगह फ्रूट बना के बेचेंगे, सबको बोलेंगे ये वेजिटेबल है ही नहीं, ये फ्रूट सी, ये फ्रूट ही है, है ना। कौन कौन बोला ये वेजिटेबल है, ये फ्रूट्स है, मैंने खाया है, बहुत मीठा लगता है, बहुत टेस्टी होता है, ये फ्रूट है, ये वेजिटेबल थोड़ी ना ये। अगर आपको किसी ने बोला ये वेजिटेबल तो आपको गलत बताया, कोई आपको बेवकूफ बना रहा है। दिस इज अ फ्रूट नॉट अ वेजिटेबल, सीरियसली। मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, ठीक है। और कितने सामान रह गए भाई अपने? अभी बहुत बॉक्सेस हैं, बहुत ज़्यादा बॉक्सेस हैं। एक दो तीन चार पाँच, चार पाँच और बॉक्सेस, ज़्यादा नहीं है। टमाटर वमाटर हैं तो उधर साइड पे लगा देंगे हम लोग। चलो पहले, सबसे पहले ककड़ी खीरा लगाते हैं यार भाई, नींबू वींबू डाल के एकदम मस्त। वेट कर रहे होंगे लोग कहीं खीरा ककड़ी आए और सैलेड में आराम से खाए वो लोग। ओके, ऊपर नहीं आ सकते ना अभी, ठीक है, हम लोग यहाँ लगा देंगे लाइन से। अभी अपने हैं कैबेज, और कैबेज की भी काफी डिमांड हो रही थी यार, क्योंकि यार यहाँ पे एक चौमीन वाला है अपने इसी टाउन में, और उसने यार मेरे से डिमांड की थी कि कैबेज यार तुम्हारी दुकान पे कम मिलती नहीं है ज़्यादा, तो उसका ना धंधा बेकार हो रखा है। अब आप लोग बताओ कौन सा धंधा। चलो मैं बता देता हूँ, वो एक्चुअली चौमीन बेचता है और उसमें अच्छी खासी कैबेज पड़ती है,
तो यार उसका भी बिजनेस बेकार ना हो, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख के उसके लिए कैबेज वगैरह लेके आए, ताकि यार उसका भी बिजनेस यार अपने साथ चले। अपना बिजनेस तो ग्रो हो ही रहा है यार, उसका भी होना चाहिए, अपना दोस्त है यार वो, इसलिए। और बाकी हम लोग टोमेटो वगैरह तो फटाफट लगा देते हैं। टमाटर, टमाटो है क्या ये? हाँ टोमेटो ही है, मेरे को सेव जैसा लग रहा था, और मैंने सेव यहाँ क्यों रख दिया, मैं खा लेता हूँ उसको। जो चीज़ गलत जगह रख दी जाए उसको खा लेना चाहिए। हो गया चलो। और ये अपने पोटैटो, पोटैटो की भी यार भारी डिमांड है। आलू यार किसको नहीं पसंद यार, सबको पसंद है आलू, आलू के बिना काम ही नहीं हो सकता यार। किसी को कुछ भी पसंद या ना पसंद हो सकता है, लेकिन आलू किसी को ना पसंद नहीं होता, आलू सबको ही पसंद होता है। किसी को सब्जी में पसंद होता है, तो किसी को फ्राइज खाने में पसंद होता है, तो कोई चिप्स खाता है आलू, पसंद लेकिन सबको होता है। कोई है क्या ऐसा जिसको आलू पसंद ना हो, जरा बताओ यार, लेट मी नो। चलो भाई चलो चलो। और अगर जिस जिसको पसंद है आलू, एक बार यार अटेंडेंस दो यार, लाइक किस किस को खतरनाक वाला भाई, एकदम पागल है आलू के लिए, मतलब आलू के बिना वो उसका काम ही नहीं बनेगा, वो कुछ खाएगा ही नहीं आलू। या फिर आलू लाइक किस काइंड ऑफ सब्जी के कॉम्बिनेशन में पसंद है आप लोग, जैसे आलू मटर हो गया, या फ्राइज आलू के हो गए, या आलू के चिप्स हो गए, या आलू भुजिया हो गई। और यहाँ पे एप्पल हम लोग फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं, सही रख रहे ना, यहाँ पे सब फ्रूट की है। और इस ये कंफ्यूज मत होना आप लोग कि ये वेजिटेबल है, ये फ्रूट है, ये फॉरेन फ्रूट है, इसको एक्सपोर्ट कराया गया है स्पेशली हमारे टाउन में लोगों के लिए। इसका नाम भले ही आपको दिख रहा होगा लेट्यूस, लेकिन इसका नाम, असली नाम लेट्यूस नहीं है। इसका असली नाम मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, मैं जरा अनलोड कर लूँ इसको। नहीं, यहाँ फ्रूट, ये फ्रूट वाला सेक्शन है। चलो भाई, इधर भी कैरेट ऐसे लगाते हैं लोग, पैरेलली लगाते हैं थोड़ा सा ना, ताकि एडजस्टमेंट प्रॉपरली हो, अदरवाइज ना वो मैसअप हो जाएगा थोड़ा सा। अगर हम लोग स्ट्रेट उसमें लगाते हैं ना, तो फिर उतनी कैरेट्स आती नहीं, और जगह भी काफी ज्यादा वेस्ट हो जाती है यार अपनी। ठीक है, मैं इधर लगा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीक, ये पता नहीं यार, ये बताओ यार आप लोग मुझे यार, ये क्या चीज़ है यार, ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आई, ये है क्यों, ये क्या है ये? कौन सी सब्जी है यार ये, वो कौन खाता है उसको? चलो अभी देख। अच्छा पानी पीना यार अपने प्लेयर को, मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी देखो, अभी हॉस्पिटल पहुंच जाता तुरंत, मैं तेरे को कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा यार, जूस पिलाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। चलो भाई चिली ले लेते हैं यार, क्योंकि चिली की भी भारी डिमांड है, क्योंकि लोगों को चटनी वगैरह बनानी होती है, तो भाई मिर्च तो लगेगी ना सब्जी वगैरह में डालने के लिए, बिना यार चिली के कैसे काम चलेगा बताओ। चिली एकदम चाहिए भाई, बिना चिली के मजा ही नहीं आता सब्जी वगैरह में। और यहाँ ऑनियन अपने लग चुके हैं, परफेक्ट। अब चिली के लिए मेरे ख्याल से जगह नहीं बची है। एक काम करें क्या गाइस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, फ्रूट वाले सेक्शन में चिली बेचते हैं हम, रुक जाओ। इसका इसका नाम देंगे रेड ड्रैगन फ्रूट। ये चिली नहीं है, ये भी फ्रूट है, ये भी बाहर से इंपोर्ट कराया गया, एक्सपोर्ट कराया गया, सॉरी इंपोर्ट कराया, एक्सपोर्ट नहीं, ये विदेश से इंपोर्ट कराया गया है, ऑस्ट्रिया से, और इसका नाम है रेड ड्रैगन फ्रूट। तो आप जैसे खाओगे ना इसको, ये वाले फ्रूट को, तो क्या होगा ना कि आप ड्रैगन की तरह आग उगलने लगोगे मुंह से। एक बार ट्राई करके देखो, मेरे कहने पर 101% आप ड्रैगन की तरह आग उगलोगे मुंह से। और इस फ्रूट का नाम लीफी फ्रूट, ठीक है। अब हम लोग करते हैं तो दुकान बंद,
सुबह खुल जाएगी ऑटोमेटिकली। और अब हम लोग जरा दिखते हैं अपना फाइनल लुक। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनल लुक देख लेते हैं जरा। एसपीजी मॉल वेस्ट यॉर्क। ओ हो, क्या ही लुक आ रहा भाई, ये देखो व्हाट अ लुक। और एक सेकंड, मैं जरा गाड़ी भी यार थोड़ा सा वो कर देता हूँ यार, मजा नहीं आ रहा है ना वो एक अंदर से लाइक थोड़ा सा वो लग रहा है, अरे मजा नहीं आ रहा है। एक सेकंड, अरे नहीं 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 इतने आगे नहीं जा रहा, तोड़ देगी क्या दुकान मेरी। थोड़ा सा आगे चल ले, मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं ताकि लुक बढ़िया है। उसको भी लगाते हैं ना, रुक जाओ, एसयूवी को भी लगाते हैं, अपनी फॉर्च्यूनर। बस 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 एकदम पैरेलली, एकदम पैरेलली। परफेक्ट, यू ही ना बात। अब जरा देखते हैं यार हम लोग फाइनल लुक कि कैसा लग रही है यार अपनी दुकान। ओ हो, लग रही है ना गाइस खतरनाक। कमेंट्स करके बताओ कि कैसी लग रही है। और अब ये दुकान नहीं, अब ये हो चुकी है मॉल। और ये चीज जरूर कमेंट्स करना कि यहाँ पे अपन कौन सी वाली फॉर्मेशन कर सकते हैं प्लांट्स की, और डेकोरेशन वगैरह भी करनी है, लाइटनिंग वगैरह भी करनी है यहाँ पे, पूरा लाइटनिंग वगैरह करेंगे हम लोग और एकदम यार खतरनाक बनाएंगे इसको, मॉल को लगेगी आपको हाँ ये मॉल है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, और मेरे को जरूर से कमेंट करके बताना। और यार देखो सुबह हो चुकी, मैं एक सेकंड रुक जाओ, मैं पहले घर जा रहा हूँ टैक्सी लेके, कहाँ होम, घर जाके थोड़ा सा अपन बात करेंगे ठीक है आराम से। गेट खोलो, मैं टॉगल एचडी कर लेता हूँ, कंटिन्यू, गेट बंद, बस। हाँ तो अभी गाइज आप लोग बताओ यार ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। बाकी जो मैंने आप लोगों से पूछा है कि कौन से पेड़ वगैरह हम लोग वहाँ पे और इंस्टॉल कर सकते हैं और लगा सकते हैं, तो वो भी बताना। और ये वाली लाइटनिंग हम लोग लगाएंगे यार, जहाँ जहाँ अपने को लगेगी एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ बेटर लगेगी तो वो लोग हम लोग थोड़ा सा करेंगे उसको, लाइक एक्सपेरिमेंट करेंगे अपन। बाकी देखते हैं कि और कितना सुंदर और डेकोरेटिव बना सकते हैं हम लोग अपनी दुकान को, और कितनी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं उसमें, और बाकी चीज़ें और वगैरह वगैरह सब अनलोड करते रहेंगे हम लोग, भरते रहेंगे अपनी दुकान को, जो जो नया नया सामान आ जाएगा, कमी आ जाएगी, करते रहेंगे। और होपफुली एक दिन हम लोग बिलीनियर और मिलीनियर बन जाएंगे इस मार्केट में, सॉरी इस टाउन में, वैसे तो हैं ही ऑलरेडी, बट ट्रिलियनियर बन जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं हम लोग फिर इसके नेक्स्ट एपिसोड में ट्रेडर सिमुलेटर 2 के। और मैं एक और सीरीज गाइस चालू करने वाला हूँ, फार्म सिमुलेटर 22 या फार्म सिमुलेटर 2022। काफ़ी सही गेम है, खतरनाक है, जिसमें आप लोग को एकदम प्रॉपरली मैं यार बताऊंगा यार कैसे भाई पूरा खेती बाड़ी कैसे की जाती है। तो मिलेंगे हम लोग गाइस फार्म सिमुलेटर की भी वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना सभी लोग, और गुड बाय।